अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है उन्हें भरण पोषण के लिए 4,000 रुपए की राशि एक वर्ष तक हर माह दी जाती है। यह राशि बच्चे एवं उसके संरक्षक के संयुक्त बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इसी तरह कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई उनको 18 साल आयु पूरा होने तक मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना से 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत वर्तमान में 29 बच्चों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पात्र बच्चों के सर्वेक्षण में रुचि न दिखाने तथा पात्र बच्चों का ऑनलाइन पंजीयन न कराने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की 11 परियोजना अधिकारियों को 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। इन अधिकारियों को नोटिस का 3 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा का पालन न करने तथा उत्तर संतोषजनक न होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।